महकमा पीडीडी एक बड़ी लापरवाही बरतने के कारण आज फिर से एक घर का चिराग बुझा है। जिला राजौरी के सब डिवीजन कोटरंका की ये बड़ी दुखद और अफसोसनाक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वक्त जिला राजौरी के सब डिवीजन कोटरंका के बुद्दल एरिया के अंदर एक जवान साल नौजवान जो डेली विजर की हैसियत से पीडीडी महकमा के अंदर पिछले 8-9 साल से काम सर अंजाम दे रहा था और आज बिजली का काम करते वक्त जो है जब महकमा की तरफ से बिजली की तार जो है वो ठीक करने के लिए बोला गया तो उसे पोल के ऊपर चढ़ा गया तो उसके बाद अचानक से बिजली आई और उसकी जान जो है वो चली गई है। ये शख्स जो है सब डिवीजन कोटरंका के ब्रह्मन का रहने वाला और नाम इसका मोहम्मद मुश्ताक सन ऑफ मोहम्मद बशीर और इसकी उम्र जो है वो 30 साल बताई जा रही है और ये जो है काम सर अंजाम दे रहा था और जिसकी आज अफसोसनाक खबर हम आपको बताते चले कि इसकी मौत आज बिजली का करंट लगने से हो चुकी है। इस वक्त डेड बॉडी को कोटरंका के हॉस्पिटल के अंदर रखा गया है और वहीं परिवार का इल्ज़ाम है कि महकमा की तरफ से जानबूझकर ये कत्ल जो है वो किया गया है। वहीं यहां पर इस वक्त कोई भी महकमा बिजली का कोई भी आला अफसरान या जेई हजरात जो है अभी यहां नहीं पहुंचे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये शख्स जो है पोल के ऊपर चढ़ा था उस वक्त महकमा के जेई साहब भी इनके साथ थे और जब इस शख्स की मौत वाका हुई और जेई साहब वहाँ से भाग गए। कहीं ना कहीं महकमा की बड़ी लापरवाही के कारण जो है आए दिन यहाँ पर ऐसे नुकसान जो है वो उठाने पड़ रहे हैं लोगों को। नौजवान जो है वो आज अपने घरों से लोग जो है खोए जा रहे हैं क्योंकि डेली विजर को जो है रीढ़ की हड्डी जो है महकमा मानता है लेकिन डेली विजर के लिए कोई भी ऐसा आज तक कोई भी सेफ्टी किट या कोई भी ऐसा कानून जो है नहीं बनाया गया कि जिसके तहत जो है डेली विजर जब काम पे जाए तो बिजली जो है पूरी तरीके से मुकम्मल बंद होनी चाहिए। लेकिन बड़ी लापरवाही के कारण आज एक जवान लड़के की मौत जो है वो वाका हुई और परिवार ने एक जवान बेटा जो है वो खोया है सिर्फ और सिर्फ महकमा की लापरवाही के कारण। अभी तक महकमा का कोई भी ऑफिसर जो है यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर लाश को देखने के लिए नहीं पहुँचा है। तकरीबन पिछले 2 घंटे से यहाँ पर डेड बॉडी को हॉस्पिटल के अंदर रखा गया है लेकिन महकमा अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। वहीं आगे की क्या खबर रहती है पूरी आपको बताने की जरूर कोशिश की जाएगी। तब तक देखते रहिए दी वर्ल्ड रिलेशन। मैं आपका महकमा शिफी चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।